सर्टिफिकेट को देना है, ये वोट उस सर्टिफिकेट को देना है, उस बच्चे को देना है जो आज तक डिप्रेशन का शिकार था, आज तक परेशानी झेल रहा था। आज क्या मुद्दा है आपके पास, किस मुंह से आप कह रहे हो? मेरे भाइयों, ये इन मुसीबतों से बाहर निकलो, इनकी कहानियां जिस कौन के साथ, जिस लीडर के साथ बुजुर्ग चलने शुरू हो जाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है खुद बहुत उसके कदम चूमेगी। तो मैं ज्यादा क्या कहूंगा कि इस बार तो आपने देख लिया कि हमने सब ने कमल के फूल गले में डाले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी थी कि वो किसी वजह से ना आ सका कमल का फूल, हमारे दरमियान अब बैठ का निशान है। देखिए आकाश जी, आज सांगला में हमने एक मीटिंग जो है वो करवाई है, जिसमें हमारी जो कश्मीरी बिरादरी थी उनके साथ साथ जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो यहाँ आए हुए थे, और हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है। लोग थोड़ा सा भटक गए थे, मगर आज लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जिस पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस ने दिलवाया है, हम उसी का समर्थन करेंगे। ये जो वोट हैं हमने जफर मनाज जी को डालने हैं, उनको यहाँ से जितवा के ले। बिल्कुल लोग जो उमड़ के आए हैं वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, जैसे कि इन्होंने एसटी स्टेटस जो दिया है, तो एसटी स्टेटस दिलाने वाली हमारी बीजेपी पार्टी है, उसकी अलायंस पार्टी जो है वो ये पार्टी है, आगे भी इस तरह की मीटिंग चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र रैना जी, नरेंद्र मिश्रा जी, शिवराज गणेश साहिबा, हमें सांगला, हमें अपर सांगला, हमें लोअर सांगला। 40 साल से मैं पंचायत के अंदर रहा हूँ, बेंच भी रहा, अब मैं नायब सरपंच हूँ। तो सांगले में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में हमारे जितने भी मंडल प्रधान हैं, उसमें मोर्चा प्रधान, बूथ प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र, इन तमाम लोगों की वहां पर जो है वो अहदेदारान की मीटिंग ली गई है। तो उसमें संगठन की तरफ से हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शहनाज गणेश साहिबा और गुप्ता साहब और हमारे बेहताब बुखारी पर ज्वाइनिंग भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों का वहां पे बिल्कुल टर्निंग पॉइंट और सामने तौर पे लोगों ने कहा कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, हमने अलायंस को वोट देना है, ना तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, ना ही हम पीडीपी को देंगे, हमारे पास इस वक्त यही है कि हम अपना वोट जो है वो बैठ के ऊपर कास्ट करेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है, आज मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ, हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक हमारी सुरनकोट में जो मीटिंग हुई है आज अफजल साहब के, वहां बड़ी मनहास फैमिली के लोग, काफी तादाद में लोग थे, और उन्होंने सिर्फ ये कह दिया है कि हम वन साइडेड वोट जो है वो पहाड़ी कास्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है पहाड़ी बरादरी से, और वहां बिलखसूस कश्मीरी बरादरी जो दरा सांगला के अंदर थी, काफी बड़ी तादाद में वहां पर लोहार फैमिली के लोग थे, कश्मीरी फैमिलीज के लोग थे, डिफरेंट कास्ट के वहां पर लोग थे, लेकिन तमाम लोगों ने एकजुट होकर यह कहा है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है उसको मजबूत करेंगे और जफर मनाज साहब को पार्लियामेंट में भेजेंगे। जिस कौन के साथ, जिस लीडर के साथ बुजुर्ग चलने शुरू हो जाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है खुद बहुत उसके कदम चूमेगी। तो मैं ज्यादा क्या कहूंगा कि इस बार तो आपने देख लिया कि हमने सब ने कमल के फूल गले में डाले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी थी कि वो किसी वजह से ना आ सका कमल का फूल, हमारे दरमियान अब बैठ का निशान है। भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र रैना जी, नरेंद्र मिश्रा जी, शिवराज गणेश साहिबा, हमें सांगला, हमें अपर सांगला, हमें लोअर सांगला। 40 साल से मैं पंचायत के अंदर रहा हूँ, बेंच भी रहा, अब मैं नायब सरपंच हूँ। तो